अमेरिका में तेल पानी पानी हुआ आखिर क्यों और कैसे, सबका जवाब मिलेगा आपको इस रिपोर्ट में। अमेरिका में तेल की कीमतों के साथ सोमवार को कुछ ऐसा ही हुआ जो इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सोमवार को जब बाजार खुले तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI का कारोबार $18 प्रति बैरल से शुरू हुआ और दोपहर खत्म होते होते ये $37.63 की दर पर जमी दोज हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट को ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का बेंचमार्क भी माना जाता है। विश्लेषक इसे निगेटिव प्राइस बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वादा बाजार में कमोडिटी प्रोड्यूसर खरीदारों को तेल के बदले पैसे देने के लिए तैयार हैं, ताकि उपभोक्ता उनसे तेल ले लें। कमोडिटी प्रोड्यूसर को ये डर है कि मई के आखिर तक तेल रखने के लिए जगह खत्म हो जाएगी, वे स्टोरेज की लागत से बचने के लिए तेल की डिलीवरी नहीं लेना चाहते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह कोविड-19 की महामारी से बनी स्थिति है। चूंकि आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक अमेरिका के सामने अजीब सी उलझन पैदा हो गई है कि वो उस तेल का क्या करें जिसका उत्पादन वो खुद कर रहा है। दरअसल अमेरिका के प्रमुख तेल भंडार भरने की कगार पर पहुंच गए हैं। इनमें ओक्लाहोमा का सबसे बड़ा ऑयल स्टोरेज सेंटर भी शामिल है। ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ समय के भीतर ही ये तेल भंडार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगे, यानी और तेल स्टोरेज की जगह खत्म हो जाएगी। अमेरिका के लिए ये ऐतिहासिक दुविधा की घड़ी है। ऐसी असमंजस की स्थिति दुनिया के कुछ दूसरे देशों के सामने भी है। इन देशों ने पहले तो बड़े बड़े तेल भंडार बनाए ताकि अगर किसी वजह से ऑयल सप्लाई बंद होने की सूरत में उनके यहाँ आपूर्ति प्रभावित न हो। लेकिन अब समस्या दूसरी आ रही है कि इतना ज्यादा तेल इकट्ठा हो गया है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या करें, और ऐसा केवल अमेरिका के साथ ही नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फाती विरोल ने पिछले हफ्ते ही चेतावनी दी थी, बहुत जल्द ही एक समय आएगा जब दुनिया भर में ऑयल स्टोरेज की क्षमता अपने चरम पर पहुँच जाएगी। नॉर्वे की ऑयल कंसल्टेंसी फर्म राइस्टॉड एनर्जी के अनुमान के मुताबिक वैश्विक तेल भंडार की कुल क्षमता का 76% हिस्सा पहले से ही भरा हुआ है। इस अप्रैल में दुनिया में कच्चा तेल स्टोर करने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये नौबत आ गई? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ जॉर्ज पिनॉन कहते हैं, ये परेशानी कोरोना वायरस से फैली महामारी की वजह से आई है। इसने तेल उत्पादन और वैश्विक खपत के बीच का संतुलन बिगाड़ दिया है। ऑयल स्टोरेज के बिजनेस से जुड़ी कंपनी द टैंक टाइगर के CEO एर्नी वारसामियान कहते हैं, एयरलाइंस कंपनियां इंडस्ट्री सब ठप है, शहर क्वारंटाइन में है, लोगों की कारें गैराज में खड़ी हैं, ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की मांग और खत्म होगी। रिसर्च फर्म IHS मार्केट का अनुमान है कि इस साल की पहली तिमाही में तेल की वैश्विक मांग 37 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कम हो गई है। ये वैश्विक आपूर्ति का 4% हिस्सा है। साल 2018 के वित्तीय संकट के बाद ये सबसे खराब स्थिति है। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि इतना सब होने के बाद तेल के उत्पादन में कटौती क्यों नहीं? प्रोफेसर जॉर्ज पिनॉन स्पष्ट करते हैं कि जब ऑयल सेक्टर में काम करना शुरू करते हैं तो पहला सबक ये दिया जाता है कि तेल के कुएं कभी बंद नहीं किए जाते हैं। आपको चाहे जो भी करना पड़े, चाहे कितनी भी खर्च आए, चाहे तेल की कितनी ही बिक्री क्यों ना हो, ऑयल फील्ड बंद नहीं किया जा सकता है। किसी तेल के कुएं से उत्पादन कम करने की अपनी तकनीकी चुनौतियां हैं। इससे धरती में जमा कुल जमा तेल भंडार पर असर पड़ सकता है। धरती से तेल जिस प्राकृतिक दबाव से निकलता है उसमें किसी किस्म का बदलाव करने से पहले जैसा प्रेशर दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल है। हालांकि अमेरिका में कई ऑयल फील्ड से हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए भी तेल निकाला जाता है, वहां उत्पादन में कटौती करना ज्यादा आसान है। एर्नी वारसामियान के अनुसार उत्पादन में कटौती नहीं करने के और भी कारण हैं। जब कुएं सक्रिय रहते हैं तो उत्पादन की लागत सामान्य तौर पर कम पड़ती है। तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां बिक्री से होने वाली आमदनी पर निर्भर होती हैं, इसीलिए जब कीमत गिरती है तो उन्हें भी बिक्री जारी रखनी पड़ती है। वारसामियान कहते हैं, तेल कंपनियां उत्पादन बंद नहीं कर सकती हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर इसे बेचना होगा। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार है और मार्च के आखिर में ट्रंप ने कहा था कि उनकी योजना जहां तक मुमकिन हो सके तेल स्टोर करने की है।
उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट समझ आई होगी। आप देख रहे थे द दस्तक 24 यूट्यूब सेक्शन। मेरा नाम है सबा खान। यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।